हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जा रहे हैं, अभी ये देख सकते हैं आप लोग, अभी हम जो जा रहे हैं बरसीम काटने के लिए, पशुओं के लिए चारा। और अभी मैं रुका हूँ यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग, ये नहर में पानी अभी नहीं आया है। तो पानी क्यों आएगा? क्योंकि अभी यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जब सभी लोग गेहूं अपना सींच लेंगे, मतलब उसके बाद पानी देंगे, तभी तो नुकसान होगा सभी लोगों का। नुकसान क्या, फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि जब पानी भर जाएगा गेहूं के खेत में, तब नहर आने का क्या फायदा। लेकिन गवर्नमेंट यही चाहती है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। ये भी उन्होंने गवर्नमेंट दिखाएगी कि नहर में पानी भी छोड़ा गया है और सभी किसान अपने पैसे से तेल मंगाएंगे, अपना खेत सींचेंगे। तो चलते हैं बरसीम के खेत में और देखते हैं, वहाँ कुछ फनी करते हैं आज, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी हुई है। स्कूल में मातृपितृ पूजन दिवस है, इसलिए बच्चों को छुट्टी दी जा चुकी है। और आप लोग, ये 4-व्हीलर भी इधर से ही जा रहा है, धुआं उड़ाते हुए एकदम से। और ये देखिए कितना धूल उड़ाया है, लेकिन ये शॉर्टकट है। अगल बगल के जितने भी गांव हैं हमारे इधर के, ये शॉर्टकट एकदम से आ जाती है यहाँ पर मार्केट जाने के लिए। बहुत कहाँ हो, कहाँ गया रहा? जय जय। और ये हैं हमारे गांव के, तो और ये हैं अनबी के दद्दा, अनबी की मवसी के बेटे हैं। यहाँ पर आए हैं अनबी को खिलाने के लिए, तो मेरे साथ यहाँ आए हैं अभी टहलने घूमने खेत। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हमारी मशीन वहाँ पर है, जहाँ ढेर सारे पीले पीले सरसों के पौधे हैं। क्योंकि सरसों लोग ज़्यादा बो रहे हैं, इसलिए भी ज़्यादा बो रहे हैं, क्योंकि पहले लोग सरसों तो खाते अच्छा नहीं हैं। लेकिन ये जो अगर गेहूं बो देते तो सांड बहले सब चर जाते। और नहर में पानी अभी नहीं आया है, जब आएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे कितने बच्चे यहाँ पर नहाने आते हैं। और होली भी आ रही है, होली में हुड़दंग भी होगा, उसका भी ब्लॉग आएगा। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप लोगों के पास वीडियो जा रहे पहुंचे। हैं बरसीम काटने के लिए। आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग अभी थोड़ी दूर है यहाँ पर बरसीम का खेत, तो यहाँ थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है, क्योंकि नहर पर मैंने बाइक खड़ी कर दी है वहाँ। और अभी जाऊँगा, बरसीम काटूँगा, उसके बाद घर जाना, क्योंकि लगभग 3 बजने वाला है शाम का, तो 4 बजे मुझे ट्यूशन पढ़ाने भी जाना होता है, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में हूँ। अभी आया स्कूल से, उसके बाद थोड़ा खाना खाया, उसके बाद तुरंत चल दिया हूँ हाँसिया और बोरा लेकर बरसीम काटने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कितनी पीले पीले सरसों के पौधे हैं, इसके फूल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अभी यहाँ पर बनाऊंगा मैं ब्लॉग ऑन पहुंच गए हैं सरसों के पौधों के बीच में, कितने अच्छे लग रहे हैं सरसों के पौधे। और इसके ठीक बगल में है ये, यहाँ पर जौ बोया गया है, इसके बाद बरसीम का खेत आ जाता है। वहां दूर दिख रही है मेरी मशीन यानी ट्यूबवेल, और यहाँ भी चल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मटर मटर बोई गई है, लेकिन अभी इसमें केवल फूल आए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, अभी फूल ही आया है। अभी मटर फलेगी इसमें, फिर बनेगा मटर पनीर।
यहाँ पर रखवाली करने भी आना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग मटर तोड़ ले जाते हैं फ्री में, क्योंकि घर थोड़ा दूर है, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पड़ जाता है, तो प्रॉपर रखवाली भी नहीं कर मिलता है, तो इसलिए रखवाली करना पड़ेगा इस बार, ताकि लोग तोड़ कर ना ले जाएं। कितना अच्छा पौधा लग रहा है ये सरसों का। अभी मैं इसी में बनाऊंगा थोड़ा इंस्टाग्राम की रील्स, और इसी के ठीक बगल में है बरसीम का खेत, जहां मैं भी बरसीम काटूंगा। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे लग रहे हैं सरसों के पौधे। यहाँ पर लग रहा है ये सरसों का पौधा तेजी से हिल रहा है, लग रहा है कोई है अंदर। देखते हैं कोई जानवर तो नहीं है, देखते हैं यहाँ पर कौन आ रहा है ये। अरे ये हैं एनबीके दद्दा, ये कहाँ गए थे? सरसों के खेत में। तो क्या करने? कुछ नहीं, कुछ नहीं, घूमने गए। वाह बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, यानी अपने लक्ष्य की तरफ, बरसीम काटने के लिए। अभी मैं पहुंच चुका हूं, ये देख सकते हैं आप लोग, यहां थोड़ी सी बरसीम और बची हुई है। यहां पर लगभग 2 दिन का मामला और है, उसके बाद फिर दूसरी कटान चालू हो जाएगी यहां पर। और फिर यहाँ पर तो हम लोग सोचते हैं इसको एक बार काट के खिला दें जानवरों को, उसके बाद जब दूसरा पौधा आएगा जौ का, यानी उसमें फिर कल्ला निकलेगा और वो पौधा बड़ा होगा, उसमें अच्छे से जौ निकलेगा। ये करीब 1 बीघे बरसीम का खेत है, तो लेकिन बहुत जल्दी बरसीम खत्म हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग चोरी से भी बरसीम काट ले जाते हैं, और कोई लोग आते हैं पूछते हैं तो मना नहीं कर मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो सरसों का पौधा दिख रहा है, यही इतनी बरसीम बची हुई है, तो भी मैं काटने जा रहा हूँ बरसीम। और पेट कुछ ज्यादा ही निकला है, देख सकते हैं आप लोग, तो इसलिए बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बैठ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, ऐसे बैठ कर काटना पड़ेगा। चार मिनट का है ये तो बताया हुआ। चाबी बंद कर दो बस। तो दोस्तों मैं बरसीम काट चुका हूँ, और ये अब मैं बोझ बना रहा हूँ घर। अब मैं बोझ बनाकर निकलूंगा घर की तरफ, यही तक बनाना है। तो दोस्तों ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।